शाहिद कपूर ने अगली फिल्म देवा को लेकर किया खुलासा। एक्टर ने बीते साल की थी देवा की घोषणा। शाहिद कपूर ने अपनी फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया का जमकर प्रमोशन किया। फाइनली 9 फरवरी को उनकी ये फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। इस फिल्म में पहली बार शाहिद और कीर्ति सेनन आमने सामने नजर आए हैं। रिलीज होते ही फैंस फिल्म पर दिल खोलकर प्यार लुटा रहे हैं। इसी बीच एक्टर ने अपनी अपकमिंग फिल्म देवा को लेकर भी बड़ा खुलासा किया है। बीते काफी समय से कबीर सिंह एक्टर सोशल मीडिया पर भी काफी ट्रेन कर रहे हैं। बीते कुछ समय से वह अपनी फिल्म के प्रमोशन में काफी बिजी थे। उनके कई वीडियोज भी इस दौरान काफी वायरल हुए। एक्टर के फैंस उनकी वीडियोज पर दिल खोलकर पैर लुटाया। हाल ही में रिलीज हुई उनकी फिल्म भी दर्शकों का दिल जीत रही है। अब फैंस उनकी अगली फिल्म को लेकर एक्साइटेड है। अब खुद शाहिद कपूर ने अपनी आने वाली फिल्म को लेकर खुलासा किया है। बता दें कि फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में शाहिद और कीर्ति सेनन की केमिस्ट्री भी लोगों को काफी पसंद आ रही है। इसी बीच अभिनेता ने अपनी अगली फिल्म देवा को लेकर खुलासा किया है कि इस फिल्म में काम करना उनके लिए आसान नहीं है। वहीं अपने इंस्टाग्राम लाइव सेशन में फिल्म के बारे में सवाल पूछे जाने पर एक्टर ने एक्शन थ्रिलर देवा को लेकर बताया कि ये उनकी अगली एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें कई एक्शन सीक्वेंस है। इस फिल्म में वह बहुत ही मुश्किल किरदार निभा रहे हैं। ये फिल्म 11 अक्टूबर को रिलीज होगी। शाहिद ने अपनी अपकमिंग फिल्म देवा की घोषणा बीते साल दशहरा के अवसर पर की थी। इसके साथ उन्होंने फिल्म का फर्स्ट लुक भी शेयर किया था। इस फिल्म में वो एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाते नजर आएंगे। फर्स्ट लुक में उनके हाथ में बंदूक पकड़े हुए नजर आए थे। बता दे जहां हालिया रिलीज फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में शाहिद कृति सेनन के साथ नजर आ रहे हैं, वहीं अपनी अगली फिल्म देवा में वह पूजा हेगड़े संग नजर आने वाले हैं। ऐसी ही मूवी न्यूज से अपडेट रहने के लिए मूवी मसाला को अभी सब्सक्राइब करें।